गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल इंडिया ओल्ड एज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने आपको मतलब जो 1807 ईस्वी में गवर्नर जनरल आया था लॉर्ड मिंटो प्रथम, उसके बारे में पढ़ाया था। तो देखिएगा, गवर्नर जनरल से संबंधित कई बार क्वेश्चन इतिहास विषय से संबंधित जो एग्ज़ाम लगते हैं उनमें पूछ लेते हैं। तो हम यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में बताने वाले हैं। तो देखिएगा, होता क्या है कि जो ये वेलेसली है, ये 1805 ईस्वी में भारत से चला जाता है और इसके स्थान पे कॉर्नवालिस आता है। और मतलब फिर उसके बाद जॉर्ज बार्लो गवर्नर जनरल नियुक्त होता है, और कॉर्नवालिस और जॉर्ज बार्लो दोनों ने ही देसी राज्यों के प्रति अहस्तक्षेप की नीति का पालन किया और मराठों के प्रति उदारता की नीति अपनाई थी, जिसके कारण क्या होता है कि 1805 को सिंधिया से एक नई संधि की जाती है और इसके अनुसार उसे ग्वालियर व गोहद के दुर्ग और उसका उत्तरी जब्बल का भूभाग लौटा दिया जाता है। कंपनी ने राजपूत राज्यों को अपने संरक्षण में लेने का विचार भी त्याग दिया था, जिसके फलस्वरूप राजपूत राज्यों पर पुनः मराठों का प्रभाव स्थापित हो गया था। और इस प्रकार 7 जनवरी 1806 को होलकर के साथ भी संधि करके उसे उसके अधिकांश क्षेत्र लौटा दिए जाते हैं। इसके बाद क्या होता है कि 1807 ईस्वी में लॉर्ड मिंटो प्रथम है, ये गवर्नर जनरल बन के भारत आता है और इसने भी अहस्तक्षेप की नीति का अनुसरण किया। इन तीनों की नीतियों के फलस्वरूप मराठों ने अपनी शक्ति फिर से संगठित कर ली और पिंडारी भी, जो आरंभ में मराठों के सहयोगी थे, अपनी स्वयं की शक्ति बढ़ा रहे थे। ऐसी परिस्थितियों में 1813 ईस्वी में क्या होता है कि लॉर्ड हेस्टिंग्स है, ये गवर्नर जनरल बन के भारत आया था। लॉर्ड हेस्टिंग्स मराठा शक्ति को पूरी तरह से समाप्त कर राजपूत राज्यों पर ब्रिटिश संरक्षण स्थापित करना चाहता था। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने सर्वप्रथम पिंडारियों की शक्ति को नष्ट करने की योजना बनाई, क्योंकि उसे भय था कि कहीं पिंडारी मराठों का पक्ष लेकर युद्ध आरंभ न कर दे। अतः पिंडारियों से युद्ध करने से पहले उसने 27 मई 1816 को भोंसले के साथ और 5 नवंबर 1817 को सिंधिया के साथ समझौता किया, और इस समझौते में उन्होंने पिंडारियों को कुचलने के लिए अंग्रेजों को समर्थन देने का वादा किया, और सिंधिया ने चंबल नदी से दक्षिण पश्चिम राज्यों पर से अपना प्रभुत्व हटा दिया था। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा जाता है। ठीक है, अब देखिएगा, जो लॉर्ड हेस्टिंग्स है, ये 1813 से 1823 ईस्वी तक भारत का गवर्नर रहता है। इसने राजनीतिक श्रेष्ठता को बढ़ाने का प्रयास किया, और यदि वेलेसली ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का सैनिक प्रभुत्व स्थापित किया, फ्रांसीसियों को निकाला और भारतीय प्रतिद्वंदियों को हराया, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने राजनीतिक श्रेष्ठता स्थापित की। उसने अपने पूर्व के लोगों की योजना के अनुसार भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का ढांचा भी बनाया था। ठीक है, तो ये समरी एक तरह से हमने लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में आपको बताई। अब देखिएगा, मेन पॉइंट के रूप में हम आपको इसके बारे में बताएंगे। तो देखिएगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 23 तक भारत के गवर्नर जनरल थे। उन्हें भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान ब्रिटिश क्राउन द्वारा इस पद पर नियुक्त किया गया था। ठीक है, अपने कार्यकाल के दौरान लॉर्ड हेस्टिंग्स ने कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जिससे भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण को मजबूत करने में मदद मिली। उन्होंने मराठा परिसंघ, नेपाल के गोरखा साम्राज्य और पिंडारियों का अंत सहित विभिन्न राज्यों के विलय के माध्यम से भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों का विस्तार किया। लॉर्ड हेस्टिंग्स भारत में कई प्रशासनिक और न्यायिक सुधार शुरू करने के लिए भी जिम्मेदार थे, जिसका उद्देश्य देश में ब्रिटिश सरकार की दक्षता में सुधार करना था। उन्होंने लोक निर्माण विभाग और राजस्व विभाग सहित कई प्रशासनिक विभागों की भी स्थापना की थी, और राजस्व संग्रह है और प्रशासन में सुधार के लिए जिला कलेक्टरों की प्रणाली की शुरुआत भी की। इसके अलावा लॉर्ड हेस्टिंग्स कला के संरक्षक भी थे। उन्होंने भारतीय संस्कृति और साहित्य को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, और लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1824 ईस्वी में कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारतीय साहित्य, दर्शन और धर्म के अध्ययन को बढ़ावा देना था।
कुल मिलाकर लॉर्ड हेस्टिंग्स को भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में याद किया जाता है और गवर्नर जनरल के रूप में उनके कार्यकाल को महत्वपूर्ण राजनीतिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक विकासों द्वारा चिन्हित भी किया गया था। ठीक है, तो देखिएगा भारत में हेस्टिंग्स के द्वारा किए गए कार्य, तो पहला कार्य था अंग्ल नेपाल युद्ध, वो था 1814 से 16 तक। फिर हुई संगोला की संधि जो 1816 में हुई, फिर किया इसने पिंडारियों का दमन, फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स की मराठों के प्रति क्या नीति थी और जिसके परिणाम स्वरूप होता है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो 1817-19 में होता है। ठीक है, तो देखिएगा आंग्ल नेपाल युद्ध, तो जो मतलब हेस्टिंग्स है इसने अपने समय में सबसे पहले आंग्ल नेपाल युद्ध लड़ा था और ये 1814 से 1816 तक मतलब युद्ध चलता है। और संगोला की संधि जो नेपाल ने अपना एक तिहाई, संगोला की जो संधि हुई थी 1816 में, इसके द्वारा नेपाल ने अपना एक तिहाई भाग ब्रिटिश राज्य को दे दिया था। ठीक है, और फिर क्या है कि 1817 में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने दमनात्मक कार्यवाही आरंभ करवाई और इनका मतलब पिंडारियों का सफाया करवाया। ठीक है, पिंडारी हैं ये कौन थे, दक्षिण भारत में बसे हुए युद्ध प्रिय पठान लोग थे और टट्टू इनकी सवारी थी, ये कर्मठ, साहसी और वफादार व्यक्ति थे। तो इनसे मतलब लॉर्ड हेस्टिंग्स को डर था, जिसके कारण लॉर्ड हेस्टिंग्स ने इनका एक तरह से पूरा वो करवा दिया था, सफाया भी करवा दिया था। ठीक है, फिर देखिएगा मराठा नीति, तो हेस्टिंग्स ने ये भी मतलब मराठों की शक्ति से हेस्टिंग्स जब वाकिफ था, अतः वह मराठों को पूरी तरह से मतलब परास्त करना चाहता था, तो जिसके फलस्वरूप जो होता है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध ये 1817 और 19 में लड़ा गया था। इससे क्या होता है कि ये जो युद्ध लड़ा गया था ये मराठों का अंतिम राष्ट्रीय युद्ध था और इस युद्ध ने मराठा शक्ति का सूर्य सदा के लिए अस्त कर दिया। एक एक करके सभी मराठा सरदारों ने अंग्रेजों के सामने घुटने टेक दिए और इस प्रकार मराठा संघ ध्वस्त हो गया। भारत में अंग्रेजों की एकमात्र प्रतिद्वंद्वी शक्ति थी वो समाप्त हो गई, जिससे अब अंग्रेजों की सर्वोच्चता को चुनौती देने वाला कोई नहीं रहा। मराठों के इस पराजय के फलस्वरूप पेशवा, होलकर, सिंधिया, भोंसले अपने राज्यों के अधिकांश भूभाग खो बैठे थे। राजपूत राज्यों से मराठों का प्रभुत्व समाप्त हो गया और राजपूत राज्य मराठों के प्रभुत्व से निकलकर अंग्रेजों के प्रभुत्व में चले गए थे। ठीक है, तो देखिएगा जो लॉर्ड हेस्टिंग्स है इसने बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण कार्य भारत में किए थे और मतलब ब्रिटिश जो राज है उसको अच्छे से इसने यहाँ पे स्थापित किया था। तो देखिएगा इस वीडियो में हमने लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में, उसके कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की। आगे के वीडियो में हम आपको और भी इतिहास विषय से संबंधित महत्वपूर्ण बातें बताएंगे, तो बने रहें हमारे YouTube चैनल इंडिया ओल्ड एज पे।